आज दिनांक 6/3/2022 को हमारे साथ हमारा भाई ये राम प्रसाद, क्या नाम है तुम्हारा? राम प्रसाद इनकी ऋषि नगर में चाय की दुकान है और साथियों ये इनके यहाँ चोरी हुई है 3/3/2022 को, जिसपे पुलिस ने EFIR काटी है ओ आउटर डिस्ट्रिक्ट OD-RB-000163 3/3/22 अंडर सेक्शन 300-457 IPC में। हाँ जी राम, बताइए राम प्रसाद जी क्या हुआ है आपके यहाँ? सर 3 तारीख को सुबह जब मैं दुकान खोलने के लिए सुबह 7:30 बजे पहुँचा तो हमारा शटर आधा उठा हुआ था। अंदर जाके हमने देखा सर, जितने भी रैक में सामान लगे हुए थे सारी चीज़ें गायब थी, सारा सामान इधर उधर फेंका हुआ था। उसके बाद मैं समझ गया कि चोरी हुई है, ताला तोड़ के फेंका हुआ था। उसके बाद मैंने 100 नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, 7:30 से 9 बजे तक कॉल करता रहा, 9:30 बजे आके कॉल मिली है। तब वहाँ से बोले कि हम जो है आपकी कॉल जो है थाने में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप दुकान पर रहिए। वहाँ से 10 बजे 100 नंबर की गाड़ी आई है, 2 पुलिस वाले हैं, उन्होंने पूछा क्या हुआ जी। 2 घंटे तक कॉल क्यों नहीं आई पुलिस, कॉल नहीं मिली, क्या हुआ? 2 घंटे तक कॉल ही नहीं मिली, क्या हुआ? 100 नंबर की बिजी बता रहा था। 2 घंटे के बाद 100 मिला रहे थे 112 मिला रहे थे 100 नंबर। अच्छा, तो 100 नंबर की गाड़ी आई, उन्होंने पूछा जी क्या हुआ। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात हुई है। पुलिस अधिकारी के नाम बताया, कितने पुलिस वाले आए थे? 2 पुलिस वाले आए थे 100 नंबर की गाड़ी में, इनोवा में। नाम बताया उन्होंने? कोई नाम कुछ नहीं बताया था। अच्छा, उन्होंने लिख पढ़ के ले गए, बोले आप जो है मैं थाने जा रहा हूँ, थाने से अभी ऑफिसर आएंगे। उसके एक घंटे बाद जो है थाने से 3 ऑफिसर आए, उन्होंने पूछा क्या हुआ। मैं कहा ऐसी ऐसी बात हुई सर, चोरी हुई है, हमारा बड़ा नुकसान हो गया। बोले आप थाने आइए। मैं कहा ठीक है जी। थाने गया, वहाँ उन्होंने FIR लिखवाई ID लेकर के। FIR लिखने के बाद उन्होंने बोला कि आप घर जाओ, हम इस पर तुरंत जो है कार्रवाई करेंगे। इस बात को 4 दिन हो गया सर, ना कोई कार्रवाई हुई, बल्कि उनको चोरों की फोटो और जो वहाँ वीडियो कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई वो भी सब कुछ पुलिस ने निकाली। आपने निकाली? हाँ जी, रिकॉर्डिंग कैमरे की आपने निकाली? हाँ निकाली, और उनको पुलिस वालों को भी दिया जो इस एरिया के हैं। उन्होंने कहा कि कैसे दी उनको? मोबाइल से दी, सीडी से दी? मोबाइल से। आपने मोबाइल से उनको मोबाइल भेज दी? हाँ जी, हाँ जी। फिर क्या हुआ? वो रोज सुबह आते हैं, पूछते हैं कि जी क्या हुआ, चोरों को कोई पता चला? मैं कहा सर आप पता करोगे, हम कहाँ पता करेंगे। वो कहते हैं कि जहाँ चोर, हमको बताया कि झील पार्क और सब्जी मंडी के जो पार्क है यहाँ पे, ये सब्जी मंडी वाला पार्क जो सामने है, हाँ जी, हाँ जी, ये जो सामने है, हाँ जी, ये सब्जी मंडी वाला पार्क से लेकर के रात को 12 बजे तक बैठते हैं। अच्छा, उनको बताया आप दर्ज दीजिए वहाँ मिल जाएंगे। वो कहते हैं कि तुम जाके मुझे पता करके बताओ कि पार्क के अंदर जब बैठे हो तो मुझे कॉल करके बताओ, तो मैं जाके उनको पकड़ूंगा। मैं कहा सर मैं काम करूंगा या उनको जाके ढूंढूंगा। बोले हमारे पास भी टाइम नहीं है, तुम जाके ढूंढो, जैसे वो तुम्हें बैठे हुए मिले मुझे जो है तुरंत जो है तत्काल कॉल करो, मैं जब उनको अरेस्ट करूंगा। यहाँ तक कार्रवाई पहुंची, आज 4 दिन हो गया सर, लेकिन इस बात पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई कुछ बरामद नहीं हुआ, जबकि चोरों को फोटो मिल गई है उनको, और वीडियो रिकॉर्डिंग जो हुई है चोर जो वारदात कर रहे हैं वो भी सारी चीज़ें दे दी गई। मोबाइल से आप फोटो दिखाओगे? हाँ जी, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई इस पर हुई नहीं सर। मैं गरीब आदमी सर, मेरा जितनी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई है, मैं अब कहाँ से क्या करूँ, कहाँ से बच्चे पालूँ, समझ से बाहर है सर। ये है सर। अच्छा, ये फोटो है? हाँ जी, ये फोटो आपने पुलिस को दे दी व्हाट्सएप से? पुलिस को दे दी सर। अच्छा, कौन कौन पुलिसकर्मी आते हैं आपके पास? अनिल के साथ में एक लंबा से और आते हैं। नाम नहीं बताते वो? नाम उनका नहीं पता सर। अच्छा, आते हैं रोज सुबह। जिसने FIR काटी उसने कुछ बोला आपको? उसने बोला कि आपकी FIR हो चुकी है, इस पे तुरंत कार्रवाई होगी, आप जाओ, जैसे चोरों के बारे में कोई भी जानकारी हमें मिलेगी आपको तुरंत तत्काल कॉल किया जाएगा। और आपको कोई बात बोली अभी जो आप बता रहे थे, क्या बात बोली? और उन्होंने बोला कि तुम रियासी इलाकों में दुकान कैसे चला रहे हो? मैं कहता गरीब आदमी चाय की दुकान, चाय की दुकान चला रहे हैं। कहें तुम इतना थाने में क्यों लेट आए? मैं कहा सर किराए की दुकान है, काम में बिजी हो गया तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। दुकान किराए की है? हाँ। तो उन्होंने कहा तुम्हें उठा के बंद कर दूंगा, तुम पुलिस वालों को भी जानते नहीं हो, हमने तुम्हारी नौकरी कर रखी है, जब हम तुम्हें तुरंत बुलाए थे तुरंत क्यों नहीं आए? मैं कहा सर थोड़ा सा मैं काम में बिजी हो गया इस कारण नहीं आ पाया, करे तुम्हें ही बंद कर दूंगा, सच बड़ा कानून तुम ही तोड़ रहे हो। मैं कहा सर गलती हो गई। तब जाके उन्होंने FIR की मुझे कॉपी दी और बोले आप घर जाओ, जैसे भी कोई जानकारी मिलेगी चोरों के बारे में हम आपको। ये सब बात अपनी मर्जी से कह रहे हो या किसी के दबाव में कह रहे हो? नहीं सर, अपनी मर्जी से कह रहे हैं, किसी से कोई दबाव। कसम खा के कह रहे हो? कसम खा के कह रहे हैं, जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ। किसकी? भारत माता की कसम खा के कह रहे हो? भारत माता की कसम खा के कह रहे हैं, जो हमारे साथ गुजरा हुआ है, जो हमारे साथ अभी तक हुआ है, ये सच्चाई है। अब साथियों देखो, हम आपके साथ रानीबाग के MCD वार्ड नंबर 66 में, जहाँ 20 से 25 पार्षद उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हैं,
यहाँ पर रानी बाग के पूर्व सचिव आदरणीय अजय पहल जी रहते हैं सैनिक 211 में, और यहाँ पे सैनिक 211 में जनरल सिंह है कंजावला के सचिव रहते हैं, और यहाँ पे कई ACP रानी बाग थाना क्षेत्र के अंदर पुलिसकर्मी रहते हैं। और मैं उन सबसे भी ये गुजारिश करूँगा कि इस चाय वाले की मदद करें, और स्वयं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि उनके कार्यालय में बैठे हुए जो भी एक छोटा सा अगर PNB अगर ये बात वीडियो वहाँ सुने, और देश के 17 लाख कानूनी अधिवक्ता आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की रानीबाग थाने का ये कंडक्ट देखें कि किस तरीके से पुलिस अधिकारी एक चाय वाले को कह रहे हैं तेरे पे लाइसेंस नहीं है, जबकि रानीबाग थाना क्षेत्र में कम से कम 2000 से 3000 से ज़्यादा दुकानें गलियों में और रोड पर खुली हुई हैं बिगर लाइसेंस के। यहाँ होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल बड़ी तादाद मात्रा में खुले हुए हैं, किसी पर लाइसेंस नहीं है। उसका कारण मुख्य ये है कि सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं कि ये लोग कराने चाह के भी लाइसेंस ले नहीं पाते हैं, और एक चाहे वाना अनएजुकेटेड आदमी जिसको यही नहीं पता कि FIR क्या होती है, तब वो आदमी जाके क्या बोलेगा। और ये आचरण पुलिस का, जबकि पुलिस को ये चाहिए था कि क्राइम टीम को बुला के इस जगह पे इस आदमी का जो 40-50 हज़ार का सामान ये बताता है कि चोरी हुआ है, उसके वहाँ फिंगरप्रिंट पाउडर डाल के फिंगरप्रिंट लेने चाहिए थे, फुटप्रिंट लेने चाहिए थे, स्वयं के अंदर CCTV फुटेज कलेक्ट करनी चाहिए थी कि किस रास्ते से ये चोर अधिक आए। और पुलिस अधिकारियों को अगर ये बात पता है कि झील वाले पार्क में, छिले सब्जी मंडी वाले पार्क में चोर बैठते हैं, तो पुलिस ने दबिश देखे आज तक कितने लड़के बंद किए कांस्टेबल अनिल ने, और इनका ये रवैया पुराना है। 23/11/20 को भी यहाँ रानीबाग ऋषिनगर के अंदर रेड हुई थी ऐसी, और उस रेड के अंदर क्या कहते हैं 15-20 पुलिसकर्मी थे, और 7/11/20 को हमने पकड़वाए थे जब 549 ऋषिनगर के अंदर बैठ के इन्हीं कांस्टेबल अनिल ने, हेड कांस्टेबल प्रवीण भाटी और कांस्टेबल नीरज ने समझौता करके उन लोगों को बाद में बोला कि एयरटेल कंपनी से है। और ऐसे ही यहाँ पे पीछे जस्सा मोटर के साथ में ग्राउंड फ्लोर पर चोरी हुई थी, 3 चोरों ने शटर खोले और कांस्टेबल नीरज ने पुलिस की जिप्सी मोटरसाइकिल लगा के खड़े रहे, लेकिन FIR दर्ज नहीं कर मकान मालिक को धमका दिया, और यही आज आपके सामने है। इसके अंदर पक्की FIR और जांच होनी चाहिए। ये बात मैं समर्थन करता हूँ कि यहाँ से अनसोशल एलिमेंट, आज दिनांक मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि ये गली आप देख लो, ये आहूजा ट्रैकलिंग वाली गली है यहाँ पे, और इसमें ये अरोड़ा सीमेंट वाली गली है, यहाँ पे शहनाज बुटीक है इस गली के अंदर। आज इसी गली के अंदर दिन में 2 पहलवान लड़के 1:20 की कैमरे की फुटेज निकाल लो इस गली के अंदर, प्राइवेट सरकारी कैमरे लगे हुए हैं, 2 पहलवान अलग अलग मकानों में घूम रहे थे और घरों के अंदर घुस के उन्होंने ताले तक तोड़ने की कोशिश करी। 2 पहलवान मैं आपको बता रहा हूँ, शकल से कैमरे में आ रहा है, लेकिन पुलिस को कोई भी इन्फॉर्मेशन दो यहाँ बीट अधिकारियों को, कोई फायदा नहीं होता, ये कार्रवाई नहीं करते। ये आज की घटना है 6/3/2022, जो भी पुलिस अधिकारी थाना रानीबाग के सचिव साहब मनोज यादव जी, ACP आदरणीय मंगोलपुरी वीरेंद्र काजन जी, सुन लो कि आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि आपके ये जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जानकारी में तो सभी को पता है कि प्रवीण भाटी जी को, अनिरुद्ध को दोबारा बीट में किसने लगवाया, प्रवीण भाटी जी को क्यों, जिस आदमी ने लगवाया उस नेता को भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये देख ले कि इनकी वजह से इस गली में क्या क्या हो रहा है। यहाँ 2 आदमी दिन दहाड़े एक मकान के अंदर घुस रहे हैं अलग अलग मकानों में, और दिन दहाड़े 1:20 फुटेज का टाइम निकाल लो, और पुलिस की जानकारी में सब बात होती है और उसके बावजूद कार्रवाई नहीं करना चाहता, और पुलिस से कोई बोलता है तो पुलिस उसी को धमकी दे देती है। ये आदमी इसका शिकार है, मैं चाहूँगा कि इस व्यक्ति को उसका खोया सामान मिले, फिंगरप्रिंट जो पुलिस वालों ने लिए, जो सबूत पुलिस वालों ने डिस्ट्रॉय करें, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए 220/34 के अंदर। क्यों नहीं उन्होंने अभी तक फुटेज निकाली, क्यों नहीं उन लोगों ने अभी तक क्या कहते हैं इन चोरों के बारे में जानकारी हासिल करने कोई रेड डाली, और झील वाले और पार्क में कितने लोगों को दबिश देकर उठाया, और क्यों नहीं उन्होंने ये क्राइम टीम को बुला के वहाँ का मुआयना कराया, ये प्राइमरी तौर पर नजर में आ रहा है। और इस आदमी का पूरा विवरण क्यों नहीं लिया, इस FIR में जिक्र नहीं है कि 40 से 50 हज़ार रुपये माल की चोरी हुई है। इस FIR में सिंपल इन्होंने ये लिख दिया है, आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ, इन्होंने लिख दिया कि ये यहाँ से जो चोरी हुआ सामान ये देखो, और मैं आदरणीय न्यायालय 101 नंबर में बात रखेंगे, स्टोलन चाय पत्ती, कॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, और क्या लिखा है ये, बड़ी कोल्ड ड्रिंक, बीड़ी माचिस, सिगरेट। अब देखो इसमें कहीं यही नहीं लिखा, स्टोलन लिख दिया चोरी, लेकिन ये नहीं लिखा कि इसके अंदर रेखी करी होगी, क्योंकि ये जो बंदे ऐसा काम करते हैं बकायदा पहले उस जगह की पूरी रेखी करते हैं, चोरी करने से पहले, ताले तोड़ने से पहले, रातों 11 बजे से 7 बजे, जबकि उनको ये भी खौफ नहीं था कि कैमरे गली में लगे हुए हैं, तब भी लोग बेफिक्री आ जा रहे हैं, चोरी करते हैं। तो ये मेरी अब SHO रानीबाग मनोज यादव जी से गुजारिश है, आदरणीय DCP आउटर समीर शर्मा जी से, और सभी प्रमुख समाज सेवी जो नेता यहाँ से पार्षद का चुनाव लग रहे हैं, और शशि वंदना जेती जी से, सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के होम मिनिस्टर हैं, और जो हमारे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी, और जो क्षेत्र के यहाँ पर रविंद्र गोगिया जी हैं और चरणजीत गुलाटी जी हैं, और ये सभी जो नेता यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, देवराज अरोड़ा जी हैं, कमलकांत शर्मा जी हैं, इन सभी लोगों से गुजारिश है कि इस आदमी को इसका इंसाफ दिलवाएं, हक दिलवाएं। विक्की मारवा जी, JK खट्टर जी, उनके बिल्कुल नज़दीक में दुकान है, JK खट्टर जी स्काईलाइन प्रॉपर्टी से हैं, और
आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और इस बार चुनाव के प्रमुख दावेदार भी हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि ये समस्त व्यापार महासंघ जो यहाँ बने हुए हैं उनसे भी गुजारिश है कि एक गरीब आदमी की भी सुने, जिसका 40-50 हज़ार का माल चोरी है उसके लिए बहुत कीमती है। अब ऐसा बच्चा अगर आदमी कोई रोजगार कर रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी कभी चाय बेचा करते थे, ये आज इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, अगर एक चाय वाले बेचकर से इसके अत्याचार करेगी रानीबाग पुलिस और उसी को डराएगी धमकाएगी तो ये बहुत गंभीर विषय है। और इसी पुलिस की जाति का शिकार यहाँ पे एक और एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है, ये हीरा लाल भाई हमारा जो प्रेस का काम करता है, ये भी शिकार है कि इसके ऊपर भी इसी तरह से 23/11/20 को फोटो खींची गई थी और इसी को धमकाया गया कॉन्स्टेबल द्वारा, और 10 दिन बाद इसी गली के अंदर बिटकॉइन कॉल सेंटर पे रेड हुई और उसके बाद इस बेचारे के साथ अत्याचार हुआ, इसी के खिलाफ FIR काटी गई डराने धमकाने के लिए जैसे ये बता रहे हैं, और इस पे काट दी गई इस बेचारे पे। और 10 दिन तक का उस FIR में जिक्र नहीं है कि 23/11/20 को अनिरुद्ध ने इसकी फ़ोटो क्यों खींची और 10 दिन के बाद FIR क्यों काटी, आज तक इसका जवाब ना तो न्यायालय को दे रहे और जो आदमी इनकी मदद करना चाहता है उसी को ऊपर पुलिस ऐसे संजीव खत्री उसको फंसाने के लिए लगा हुआ है, क्योंकि इनकी ऊपर तक पहुँच है, 4 साल के लगभग थाने में हुए इनको और एलन सैनी को, और इनका तबादला नहीं हो रहा। अभी भी रोहनी न्यायालय के अंदर कई केस रानीबाग थाने के खिलाफ लंबित हैं, इनके आपराधिक आचरण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं लिहाजा फिर पुनः इनसे कह रहा हूँ कि इसके भाई का जो है मदद होनी चाहिए। एक मिनट निकलने देखते हैं। निकल भाई, चलो। तो मैं अब ये पुनः गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर सबसे पहले तो अब जो सबूत नष्ट हो गए हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए, और जो पुलिस अधिकारी ने धमकी दी है कि बगैर लाइसेंस उनसे ये पूछा जाए कि पूरे रानीबाग थाने में कितनी चाय की दुकानें हैं, कितनी प्रेस की दुकानें हैं, कितनी छोले भटूरे की रेहड़ियाँ हैं, कितनी कुलचे की रेहड़ियाँ हैं, कितनी नान की रेहड़ियाँ हैं, मोमोज की रेहड़ियाँ हैं और कितनी डोसे की रेहड़ियाँ हैं, और इन सबके पास जब लाइसेंस नहीं दो कितनी बार बार शॉप हैं, कितने लोगों को ये बंद करेंगे पुलिस वाले, कितने मुकदमा दर्ज करेंगे जब कोई इनके पास कंप्लेंट करने आता था। ये आचरण जरूर उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ एक्शन हो और मेरी तत्काल ये मांग है कि इसको नौकरी से निलंबित किया जाए, और बाकी आगे हम न्यायालय में गुहार लगाएंगे कि किन किन सेक्शनों में अपराध किया हुआ है, और जिस पुलिसकर्मी ने इसको थाने बैठ के धमकी दी है सरकारी पब्लिक सर्वेंट होते हुए पब्लिक कार्यालय के अंदर बैठ के पब्लिक सिस्टम का यूज करते हुए उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। क्या आप चाहते हो सब कार्रवाई जो बात हम बोल रहे हैं? सर हम कार्रवाई कुछ नहीं चाहते, हमारा माल हमें मिल जाए। माल मिलने के लिए तो पुलिस कार्रवाई करेगी, जब भी तो होगा पुलिस कार्रवाई करे और हमारा माल मुझे मिल जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, हम प्रार्थना ये करेंगे, कोशिश करेंगे और न्यायालय में गुहार लगाना, और आदरणीय DCP साहब आउटर डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं और SHO साहब से इन सबसे आप मिलो और उनको ये सब बताओ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ और इसका क्या क्या कौन कौन आदमी जिम्मेवार है, और उसके बाद कार्रवाई होगी, और नहीं होगी तो हम आपका 2 या 3 दिन के अंदर न्यायालय के अंदर आपको बताएंगे। 101 नंबर रोहनी कोर्ट है, वहाँ जाके आप जज साहब के सामने फ्री वकील भी मिलेगा आपको वहाँ से, और प्रक्रिया बता देंगे, फ्री वकील मिलेगा और जो भी आपके साथ बात हुई है वहाँ न्यायालय के सामने आप रखा। ठीक है, इसी के साथ आपके आज इसको बंद करते हैं वीडियो को, और प्रयास करेंगे कि आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा।